हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप की। और ब्राइटकॉम ग्रुप में ऐसा है, कुछ खुशी है तो कुछ गम है। खुशी इस बात की है कि अपर सर्किट लगा, आज भी स्ट्रांग अपर सर्किट लगा और आज भी 61.85 पे क्लोज हुआ है, जो कि 56 तक लो मारा था। वहाँ से अपर सर्किट का सिलसिला फिर से शुरू हो गया ब्राइटकॉम ग्रुप में। तो सब लोग तो काफ़ी खुश होंगे इस बात को लेकर, बट दुखी भी इस बात को लेकर है कि बोनस नहीं मिल रहा है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे आज भी बोनस नहीं मिला है। आपको मिला होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, बट ये तो बहुत ही ज़्यादा हाइट हो गई है। 19 मई का प्रॉमिस किया था कंपनी ने, बट अभी आज हो गई है 24, फिर भी बोनस क्लियर क्रिएट नहीं हुआ था। मुझे लग रहा था कि मंडे ट्यूसडे तक आ जाना चाहिए, बट देखिए आज भी नहीं आया है। तो थोड़ा सा ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग बात है ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। जहाँ तक आज की ट्रेडिंग का सवाल है, स्ट्रॉन्ग अपर सर्किट लगा। एनएससी पर अराउंड 6 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं और बीएसई पर अराउंड 1 लाख, सो ओनली 7 लाख शेयर्स का ट्रेडिंग हुआ है। इसका मतलब ये है सेलर्स ही नहीं है। जहाँ तक पेंडिंग ऑर्डर की सवाल है, आज भी अराउंड 8 लाख शेयर्स पेंडिंग थे एनएससी पर और बीएसई पे अराउंड 2 लाख शेयर्स, सो ऑल टुगेदर अराउंड 10 लाख शेयर्स अभी भी पेंडिंग ऑर्डर है, बाइंग के लिए लगे हुए हैं बट सेलर्स नहीं है। ये पॉजिटिव बात है। अब सवाल ये आता है कि ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर इतना भाग क्यों रहा है जबकि मार्केट वीक है। मार्केट आज भी थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और एक फ्लैट मार्केट कह सकते हैं आज भी निफ्टी और सेंसेक्स। तो आज ऐसा क्या हो गया ब्राइटकॉम ग्रुप में कि अपर सर्किट लगा? उसके दो तीन कारण है फ्रेंड्स। एक तो इसका क्वार्टर फोर के नंबर्स आने वाले हैं, 20 मई को, 28 मई को इसका क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है। तो जनरली एक ऐसा देखा जाता है कि जो लोग होप करते हैं कि क्वार्टर फोर का रिजल्ट अच्छा आएगा एज़ कम्पेयर टू क्वार्टर थ्री, और मार्च क्वार्टर 2021 से अच्छा आएगा। ये होप के कारण थोड़ा सा बाइंग शुरू हो जाती है, तो उसके कारण भी ये सस्टेन कर रहा है, गिर नहीं रहा है। दूसरा रीज़न ये है कि इसमें देखिए कॉन्फ्रेंस कॉल का जो कंपनी ने बताया है, जो इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है वो 1 जून को रहेगी। उसमें सब डिस्कस करेगी कंपनी, फ्यूचर प्लानिंग और क्वेश्चन आंसर्स का जवाब देगी। तो उसके कारण एक पॉजिटिविटी आ गई है कि सब लोगों को सवालों के जवाब मिल जाएंगे इस कॉन कॉल में। इसके कारण भी थोड़ी इसमें पॉजिटिविटी देखने को मिली है। थर्ड रीज़न ये है कि देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गिर चुका था ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर, 56 तक चला गया। इतना भी इसके फंडामेंटल्स ख़राब नहीं है कितना गिरना चाहिए। डेफिनेटली आईटी सेक्टर के सभी स्टॉक गिरे हैं, उसके साथ में ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर भी गिरा, बट बहुत ज़्यादा लो चला गया था तो थोड़ा बहुत रिकवरी इसके अंदर बनती थी, वो नेचुरल बात थी। अब इसमें जो इसलिए फिर थोड़ा सा इसमें रिकवरी आ रही है, बाइंग आ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिर चुका था ये शेयर। और अभी देखिए इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 65 पे है, वो क्रॉस कर सकता है तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा 70 पर। देखते हैं 65-70 के ऊपर निकलता है कि वहाँ से फिर से करेक्शन आता है ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर में। जहाँ तक मार्केट का सवाल है, मार्केट अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ, आज थोड़ा फ्लैट चल रहा है, मतलब थोड़े से इंडिकेशन मिल रहे हैं कि मार्केट फिर से गिर सकता है, मार्केट फिर से करेक्शन होगा तो उसके साथ में हो सकता है ब्राइटकॉम ग्रुप में भी थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिले। बट 28 मई तक, 28 मई तक थोड़ा बहुत इसमें तेज़ी बनी रह सकती है, क्योंकि एंटिसिपेशन होता है कि क्वार्टर फोर का रिजल्ट अच्छा आएगा। तो लेट्स होप क्वार्टर फोर का रिजल्ट अच्छा है इसका एज़ कम्पेयर टू क्वार्टर थ्री, एंड ईयर ऑन ईयर भी अच्छा आएगा। तो हो सकता है फिर से हमें 80 रुपीज़ के लेवल दिखने को मिल जाए ब्राइटकॉम ग्रुप में। आपको क्या लगता है, इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे या एवरेज आएंगे, और शेयर 70 को क्रॉस करेगा और 80-90 तक पहुंचेगा कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। बोनस किसी को मिला होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, सो दैट एवरी वन विल कम टू नो कि बोनस मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने सिर्फ फॉल्स प्रॉमिस किया है, बट बोनस मिलेगा, भले ही ये हफ्ते में मिलना चाहिए मोस्टली। देखते हैं, आप में से कुछ लोगों को मिला होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप की जो अपर सर्किट की जर्नी है कितनी दिन चलती है, बट प्रॉफिट बुकिंग भी आने की इंटीमेशन हो सकते हैं, इंडिकेशन है कि 2-4 सेशन जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। आपको क्या लगता है कमेंट करके आप ज़रूर बताना। थैंक यू।